हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जेके विजन पर। दोस्तों, आज के समय में दुनिया का हर देश अपने सेना को अधिक मजबूत और शक्तिशाली बनाना चाहता है, क्योंकि कब कौन देश किस देश पर आक्रमण कर दे इस बारे में कोई नहीं जानता। आज का समय ऐसा है कि परिस्थितियां बिगड़ने में देर नहीं लगती। एक समय था जब युद्ध तलवारों और भालों जैसे हथियार के मदद से लड़ा जाता था, उसके बाद बंदूक और गोलाबारी से युद्ध लड़ने की बारी आती है। लेकिन 31 सवी में सब कुछ आधिक हो रहा है। आज युद्ध में गोली और बंदूकों से ज्यादा इस देश के पास कितने हथियार है, कितने फाइटर जेट्स है, ये सब ज्यादा मायने रखता है। साथ ही दूसरे विश्व युद्ध के बाद से कई देशों ने परमाणु हथियार रखने की भी शुरुआत कर दी। आज पूरी दुनिया में लगभग 57 देश ऐसे हैं जो इस्लामिक नेशन की कैटेगरी में आते हैं। इनमें से कई देश ऐसे हैं जो इतने शक्तिशाली हैं कि वो बड़ी से बड़ी सेना को परास्त करने की हिम्मत रखते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के 5 सबसे खतरनाक इस्लामिक देशों के बारे में बताएंगे। इस सूची में एक ऐसा नाम भी शामिल है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं। इस देश का नाम भी दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के सूची में है। चलिए दोस्तों, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं इन देशों के सफर पर। सऊदी अरब। मिडल ईस्ट का ये देश आज पूरी दुनिया में मशहूर है। अमेरिका के साथ मिलकर सऊदी अरब कच्चे तेल के दाम तय करता है। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको विश्व में ज्यादा मूल्यवान कंपनी है और इस्लामिक देश में सबसे ज्यादा बजाजक वाला देश सऊदी अरब ही है। सऊदी अरब से ज्यादा पैसा अपनी सेना को मजबूत करने में इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वही रिजर्व आर्मी में 325,000 सैनिक मौजूद हैं। सऊदी अरब पिछले कुछ सालों से अपने आप को मजबूत और ताकतवर बनाने के लिए लगातार भारी मात्रा में सैन्य उपकरण खरीद रहा है। सबसे ज्यादा हथियार ये देश अमेरिका से ही खरीद रहा है और विश्व के उन देशों में शुमार हो गया जिनके पास एक से बढ़कर एक आधुनिक मिसाइल्स मौजूद है। सऊदी अरब की आर्मी में 1,300 टैंक है। 120 मल्टी रॉकेट सिस्टम भी सऊदी अरब के पास मौजूद है। आज सऊदी के पास कई बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और इन मिसाइल्स के कारण ही आज ये देश दुनिया के सबसे ताकतवर सेनाओं को टक्कर दे रहा है। 300 के करीब फाइटर जेट्स और इतनी मात्रा में हेलीकॉप्टर भी सऊदी अरब के पास मौजूद है। साथ ही लगभग 80 अटैकर्स भी सऊदी अरब के वायुसेना में शामिल है। वैसे तो सऊदी को नौसेना की बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है। चोरी समंदर के रास्ते फिलहाल इस देश में कोई भी खतरा नहीं। आसपास के देश सऊदी अरब के मुकाबले काफी कमजोर हैं और इसलिए वे खुद कभी सऊदी अरब से पंगा लेने के हिम्मत नहीं करेंगे। सऊदी अरब उन इस्लामिक देशों में शुमार है जो दुनिया के अधिकांश ताकतवर देशों के साथ अपने रिश्ते मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। इस देश में तेल की भी कोई कमी नहीं है और अगर कभी युद्ध की हालात बनते हैं तो उस स्थिति में तेल के सप्लाई में भी सऊदी अरब को कोई बाधा नहीं आई। इस देश मिस्र, जिसे आज पूरी दुनिया इजिप्ट के नाम से भी चाहती है, ये देश भी अपनी सैन्य शक्ति के कारण दुनिया के सबसे ताकतवर देशों में गिना चाहता है। मिस्र की आर्मी इतनी ट्रेंड है कि आज उनके सामने दुनिया की किसी भी देश का कोई भी हथियार या मिसाइल क्यों न रख दिया जाए, यहाँ के जवान उन्हें चलाने में सक्षम है। ऐसा इसलिए क्योंकि मिस्र कभी किसी एक देश से हथियार और मिसाइल्स नहीं खरीदता। अमेरिका, रूस, इटली, जर्मनी, फ्रांस सहित सभी ताकतवर देशों से मिस्र समय समय पर अत्याधुनिक हथियार खरीदता रहता है और यही वजह है कि मिस्र के आर्मी सभी देशों के हथियार चलाने की कला को जानती है। मिस्र के सेना में 440,000 एक्टिव पर्सनल मौजूद है, तो वही 500,000 की रिजर्व आर्मी मिस्र के पास मौजूद है। मिस्र के हथियारों और सैन्य उपकरणों की बात करें तो आज इस देश के पास 6,200 से अधिक टैंक्स मौजूद है, 2,300 से अधिक लॉन्ग गन्स और 900,000 ऑटोमेटिक गन्स में मिस्र की सेना के पास है। 4,000 से अधिक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स मिस्र के पास है, जो काफी बड़ा आगा है। 900,000 से अधिक एयरक्राफ्ट मिस्र के पास है, जिसमें 2,200 फाइटर जेट्स और 400 से अधिक मिलिट्री हेलीकॉप्टर शामिल है। साथ ही 88 अटैकर्स भी मिस्र के पास है। मिस्र की नौसेना भी काफी अन्य देशों के मुकाबले मजबूत है। इन सब के अलावा 10,000 से अधिक अन्य आर्म्ड व्हीगल्स भी मिस्र की सेना में शामिल है। स्क्लैच केरल की कारण आज मिस्र दुनिया के तमाम शक्तिशाली देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा दे रहा है। कुछ देशों को छोड़ दिया जाए तो आज दुनिया के अधिकतर देशों में मिस्र को लेकर एक अच्छी चहवी बनी हुई है और इसी अच्छी चहवी का फायदा मिस्र को हो रहा है। नेक्स्ट इस ईरान।
दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की सूची में अगला नंबर ईरान का है। ईरान जल्द ही परमाणु हथियारों के सूची में शुमार हो सकता है, क्योंकि आज ईरान के पास परमाणु बम बनाने की तकनीक मौजूद है। असल में ईरान के कई देशों के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं है। इससे पहले सऊदी अरेबिया और इराक के साथ भी ईरान के रिश्ते बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। ऐसे में ईरान हर वक्त युद्ध के लिए तैयार रहता है। ईरान की सेना में आज 6 लाख से अधिक एक्टिव पर्सनल और तकरीब 3.5 लाख रिजर्व पर्सनल मौजूद है। इस साल ईरान ने 24 गलियों डॉनर का डिफेंस बजट पास दिया है, और ये रूस जैसे देशों की मदद से अधिकांश हथियार अपने देश में ही बना रहा है। दुनिया के अन्य कई देशों को अपने हथियार बेच भी रहा है। ईरान की सैन्य शक्ति की बात करें तो 3,700 से अधिक टैंक्स ईरान के पास है। वही तोगों की संख्या भी 3,000 से अधिक है। 635 ऑटोमेटिक गन्स ईरान के सैनिकों को दी हुई है, तो 1,000 से अधिक मल्टीपल रॉकेट पाउंचर्स ईरान के पास है। 190 फाइटर जेट्स और पिस्लीबन 210 हेलीकॉप्टर्स के साथ ईरान वायुसेना के मामले में भी ठीक ठाक स्थिति में है। ईरान की नाव सेना में 38 पनडुब्बियां और 6 फ्रिगेट शामिल है। ईरान की सबसे बड़ी ताकत आज इस देश की अत्याधुनिक मिसाइल से है। कम दूरी से लेकर 6,000 किलोमीटर तक की मारक क्षमता वाले मिसाइल्स ईरान के पास है। जिलजल मिसाइल्स का निर्माण ईरान ने खुद किया। सामन मिसाइल की मारक क्षमता 2,500 किलोमीटर तक है, जिससे वे दुश्मन की गतिविधियों का आसारे से पता लगा सकते हैं। लेक स्टैक्स टर्की। टर्की की गिरती नहीं सिर्फ इस्लामिक देशों में बल्कि विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों में की जाती है। टर्की अपने यहाँ एक डिफेंस इंडस्ट्री तैयार करने की कोशिश कर रहा है। आज टर्की की बनाई बोहरा मिसाइल का इस्तेमाल दुनिया के कई देश कर रहे हैं। ये कम दूरी तक वार करने वाली एक ऐसी मिसाइल है जिससे रात की अंधेरे में भी बिल्कुल ठीक निशाना लगाया जा सकता है। साथ ही मिलिट्री में ड्रोन का इस्तेमाल भी टर्की द्वारा ही किया जा रहा है। मिसाइल वाले ड्रोन्स भी टर्की ने बना लिए हैं। टर्की का डिफेंस बजट 20 बिलियन डॉलर्स का है और ये दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल है जिसके पास अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम मौजूद है। टर्की के पास आज 3,800 से अधिक टैंक्स मौजूद है। सागी 1650 लॉन्ग गम मिसाइल्स और तोप भी यहाँ के मिलिट्री के पास है। 1,370 ऑटोमेटिक गन्स और 1,000 पल्टी रॉकेट लॉन्चर्स टर्की की सैन्य शक्ति को और मजबूत बनाने का काम करते हैं। वायुसेना की बात करें तो टर्की के पास 295 एक जेट्स और 280 हेलीकॉप्टर्स है। वही तकरीबन 50 अटैकर्स भी मौजूद है, इसलिए यहाँ पर कोई भी अंडे देश हमला करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। टर्की की नावजिया में 16 फ्रिगेट्स, वाह सबमरीन से और 10 कॉर्वेट शामिल हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि राइफल का आविष्कार सबसे पहले तुर्की देश में किया गया। टेक्स्ट इस पाकिस्तान दुनिया के सबसे ताकतवर इस्लामिक देशों की सूची में पहले नंबर पर नाम आता है हमारी पड़ोसी देश पाकिस्तान का। पाकिस्तान अपने पास 110 परमाणु हथियार होने की बात कहता है। एक्टिव और रिजर्व सैनिक मिलाकर आज पाकिस्तान के पास लगभग 11 लाख सैनिकों की मैस पावर मौजूद है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पाकिस्तान की सेना ही सऊदी अरब की सेना को ट्रेनिंग देती है, जिससे कि इनडायरेक्ट तरीके से चीन भारत के लिए मुश्किलें पैदा कर सके। सऊदी अरब और तुर्की से भी चीन कई मिसाइल्स खरीद रहा है, लेकिन इसके बावजूद ये देश अपनी सैन्य शक्ति पर खुलकर पैसा खर्च करता है। पाकिस्तान का रक्षा बजट 12 बिलियन डॉलर्स का है, और आज पाकिस्तान की सेना के पास 3,250 टैंक्स, 22 से अधिक तोपें और 800 से अधिक ऑटोमेटिक तोप मौजूद है, जो दुनिया के से 5 देशों की सेनाओं के पास ही है। पाकिस्तान के पास 440 फाइटर जेट्स और 500 मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स भी है। वहीं 90 अटैकर्स और 923 एयरक्राफ्ट भी पाकिस्तान की सेना में मौजूद है। पाकिस्तान के पास आज कई आधुनिक मिसाइल्स मौजूद है और दुश्मन की सेना को काफी नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं पाबर और राज जैसी क्रूज मिसाइल्स भी पाकिस्तान के पास है, जिनकी मारक क्षमता 2-3 हजार किलोमीटर तक है। इन मिसाइल्स की रेंज में पूरा भारत देश आ सकता है। तो ये थी दुनिया की 5 सबसे ताकतवर मुसलमान देश, जिनकी दमदार सैन्य शक्ति के आगे कई बड़े देश भी फीके नजर आते हैं। वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारी के आधार पर ही बताई गई है, इसलिए अगर वीडियो में कोई गलती हो जाए तो कमेंट सेक्शन में आप उसका सुधार कर लीजिएगा। आपसे फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।